नमस्कार दोस्तों, रेवास किचन में आपका स्वागत है। मैं आज आपको भटूरे बनाने की विधि बताने जा रही हूँ। भटूरे बनाने के लिए सबसे पहले हम भटूरे का आटा लगाएंगे। ये मैंने 1.5 कप मैदा लिया है। 1.5 कप मैदे के अंदर हमें 2 चम्मच दही डालनी है, 1/2 चम्मच कोई भी कुकिंग ऑयल जो आप चाहते हैं, और इसके बाद में आप लगभग 1/4 चम्मच से ज़्यादा, या नमक आप स्वाद अनुसार ले सकते हैं, 1/4 चम्मच के आसपास आप नमक लीजिए। और इसके बाद में आप बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर का यूज़ कीजिए। चुटकी भर डालने से इसमें जो हम खमीर उठाना चाह रहे हैं वो बहुत अच्छा उठेगा। तो आइए हम अब इसके आटे को लगाते हैं। अच्छे से पहले इसे मिक्स कर लीजिए इस तरह से, और फिर इसे लगा के हमें गर्मियों में आप इसे 4 घंटे के लिए छोड़ दीजिए, एक बंद ढक्कन वाले किसी भी पॉट के अंदर रख के। और ज़रूरी नहीं है कि आप इसे धूप के अंदर रखें। सर्दियों के अंदर अगर आप इसे धूप के अंदर रखते हैं तो वही 4 घंटे रखिए, और अगर आप धूप में नहीं रख रहे हैं तो इसे तकरीबन 6 से 8 घंटे ज़रूर रखिए, या रात को लगा के रात भर छोड़ दीजिए। तो ये बहुत ही अच्छा, इसमें खमीर उठ जाएगा, हमारे भटूरे बहुत अच्छे बनेंगे फूले फूले। तो फटाफट हम आटा लगा के रेडी करते हैं। देखिए इस तरह से इसे बहुत अच्छे से लगा के रखना है, न ज़्यादा टाइट न ज़्यादा ढीला। ये भी थोड़ा टाइट है, इसमें थोड़ा और पानी यूज़ करना होगा हमें, बहुत कम। अगर आप इसे ढककर नहीं रख रहे हैं तो इसे गीले कपड़े के अंदर बंद करके रख दीजिए। आटा लगाते वक्त हमें ध्यान रखना है कि इसमें गुठलियाँ ना पड़े। यह आटा तैयार है और अब मैं इसे एक बंद ढक्कन के अंदर टिफ़िन के अंदर रख दूँगी, जिससे इसमें अच्छा सा खमीर बन जाए। ये रेडी हो गया है बहुत अच्छे से। ये देखिए बहुत अच्छे से बन गया है, ये इसमें गुठलियाँ बिल्कुल नहीं है। और जब इसमें खमीर बन जाएगा तो ये थोड़ा सा ढीला ढीला अच्छा बन, और अच्छे से ढीला हो गया। हम इसे ढक्कन वाले इसमें पॉट में रख देते हैं। इस तरह से मैंने इसे रखा और मैं इसे ढक्कन से बंद कर देती हूँ। इस तरह से आप इसे बंद कीजिए और इसे कहीं भी प्लेस करके रख दीजिए। इसमें खमीर उठने का हमें वेट करना है। जब 2 घंटे हो जाएंगे तो 2 घंटे बाद में हमें ये इस तरह का सॉफ्ट मुलायम बना हुआ मिलेगा, जिसे आप आसानी से बेल सकते हैं। देखिए आप, बहुत ही अच्छा सॉफ्ट है और अच्छे से जाली पड़ी हुई है इसके अंदर। तो चलिए हम जो भटूरे बेलते हैं। भटूरा बनाने के लिए हमें सबसे पहले बहुत अच्छा सा तेल कढ़ाई के अंदर गरम करके रखना है। बहुत अच्छे से ये गरम होना चाहिए कि भटूरा डालते ही फूल जाए, और ज़्यादा भी गरम नहीं होना चाहिए कि वो जल जाए, तो ध्यान रखना है हमें। ये देखिए, ये हमने लोया लिया, इस तरह से बनाइए। अच्छे से तेल में करना है ऐसा। ये मैंने यहाँ तेल स्प्रेड किया इस तरह से, आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी अगर ये बहुत अच्छे से खमीर उठ चुका है इसके अंदर, तो बेलन चलाने की आपको आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। और अगर आप बेलन चलाना चाह रहे हैं तो इस पर भूल के भी तेल मत लगाइएगा, इस पर सूखे मैदे का प्रयोग करिएगा। तेल गर्म हो चुका है, हमारा भटूरा भी बन चुका है। किनारों से इसे पकड़ के फैलाने में ये इजी रहता है। यस, हम इसे डालते हैं। तेल गर्म हुआ नहीं हुआ, अभी थोड़ा बाकी है। तेल अच्छे से रेडी हो चुका है, अब हम इसे तेल के अंदर डाल देंगे। हमारा भटूरा फूल के तैयार हो जाएगा। अच्छे अच्छे फूले फूले भटूरे बनाइए। ये देखिए हमारा भटूरा बनके तैयार हो गया। इस तरह से ध्यानपूर्वक हम हमारे भटूरे तैयार कर सकते हैं। 1.5 कप मैदा में आप तकरीबन 8 भटूरे तैयार कर सकते हैं। तो जैसे जैसे आप मैदा की मात्रा बढ़ाएं, वैसे वैसे आप बाकी के सामान की मात्रा भी बढ़ाते जाइए, और इसे हरी धनिए की चटनी और छोले के साथ ज़रूर सर्व करिएगा। मेरी रेसिपी ज़रूर लाइक करें और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।